आप अपनी जिम्मेदारी पर इसे यहाँ पे लेकर आई थी ना, तब संभाले इसको। क्यों संभालूं मैं? तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे ये मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। भाई तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने कोई ठेका लिया हुआ है? आप उसे कहे ना कि मेरे बेटे को कहीं नौकरी पे लगवा दे। कमल कैसी बातें कर रहे हो तुम? दामाद से कोई ऐसी बात करता है क्या? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? आपकी पोती भी तो वहाँ नौकरी करती है ना। नौशीन, मेरे साथ कभी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, समझ आई तुम्हें? आप ये अगर आपको लगे कि आपका काम अकेले नहीं हो रहा तो किसी को साथ मिला लेने में कोई हर्ज नहीं है, एक से भले दो होते हैं। आज कुछ भी हो जाए, मैं आज आप ही को ये बात बताकर रहूंगी। अरे हया, क्या सोच रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अम्मी इतना क्यों डर रही हैं आप? क्या ससुराल वाले तो आ रहे, और आपने इतना अच्छा खाना बना तो लिया, ना पसंद आने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, मरियम को कॉल लगाओ और पूछो कि वो कब आ रही है, मैं जरा माँ जी को देख लूं। तुम्हें एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखो। ऐसा लग रहा है? वाओ आपी, ये ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, स्टैंड लेके आया हूँ। भाई की चॉइस तो बहुत क्लासिकल है, आप यही पहन के जाइएगा आपी। मुझे पता नहीं है कि मैं ये पहन के जाऊंगी कि नहीं, तो पता है वहां के वेदर का, ये तो मैं देखूंगी। ये भी है, तो एक काम करना, किसी और दिन पहन लेना, लेकिन इसको प्लीज याद से रख लेना, बहुत प्यारा है। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा अभी आप लोग कब तक आ जाएंगे? सब टेन आते हैं तो फिर हम आ जाएंगे। मरीन, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ। मोहसिन, तुम क्यों लेके आई? किसी को कह देती, वो दूसरे काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए गरम दूध ले जाऊं। थैंक यू सो मच। अच्छा हया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आई एम सो सॉरी मरियम, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आई कैसे गिर गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नौशीन। मरियम आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे गिर गया, मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये तो मैं धोखे ला देती हूँ, ये मुझे दे दो, मैं आपको धोखे दे देती हूँ ये, प्लीज। कोई बात नहीं नौशीन, मैं कर लूंगी। ओ गॉड, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? क्या हो रहा है? क्या हुआ इसके, तुमने फेंका? क्या हुआ है? वो आप ही, तुम देख नहीं सकती, आंखें नहीं है तुम्हारी क्या? वो आप ही, कुछ नहीं। सो क्लमजी मरियम, मैं धोखे ला देती हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप ही से गलती हो गई। मशीन कहाँ जा रही हो? आखिर नौशीन के पास जा रही है, उसको बुरा लगा होगा ना? रहने दो, ये ज्यादा हमदर्दी ना किसी के काम नहीं आती। अब किसने इसको कहा कि काम करे? मेहमान है तो मेहमान बन के रहे ना। हाँ लेकिन आप इतनी छोटी सी बात पे उसको अच्छी खासी डांट पड़ गई। जितनी ढींद होगी उतनी गलतियां होंगी,
मैंने तो ये सीखा अपनी जिंदगी में। लेकिन आपकी गलती की माफी तो होती है ना, उसने कौन सा जानबूझ के किया है? ये भी तुम्हारी दादू ही कहती होंगी, मुकम्मल ट्रेनिंग करके भेजा है ना। पैकिंग हो गई है जी? सारी पैकिंग हो गई है, बाकी का लगेज है वह सत्यान ने रखवा दिया है, ये बस मेरी बेसिक सी चीजें रह गई थी। रजिया को मैं कहती हूँ ये भी भिजवाए। आप ही वो हम अम्मी के घर कब तक जाएंगे? क्यों कोई जल्दी है? नहीं वैसे जब सत्य आएगा तो तब जाएंगे ना जी। सुजीला जी भाई, यार क्या डिले है, सब लोग कहाँ गायब हैं? मैं तो कब से तैयार हूँ, बच्चे भी तैयार थी, लेकिन हम उनको आ गई नींद। नदीम चले गए उनको सुलाने के लिए। अनम? अनम की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जा रही। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसका मूड ठीक नहीं है, पता तो है। चलो आप ही। इशा की नमाज पढ़ रही है लेकिन तैयार है वो। आप ही तू घर आकर नमाज पढ़ती है? कह रही थी पता नहीं वहां कितनी देर हो जाए इसलिए पढ़ के जाती हूँ। चलो मैं मरियम को देख लूं। हाँ ठीक, प्यारे लग रहे हो वैसे। थैंक यू। कौन? मैं हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अंधेरे से घबरा गई थी। अंधेरे में तो और प्यारी लग रही हो तू। और तुम्हें मेरे होते हुए कभी भी अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी आप पास ना हुए? ऐसा नहीं होगा मरियम, तुम हमेशा मुझे अपने करीब पाओगे। फोन बज रहा था। हाँ हया की कॉल आ रही है, काफी देर से पूछ रही है, अभी तक पहुंचे नहीं। अटेंड करो, मैं आप ही के पास पर। हाँ हया बोलो। अरे बाबा आ रहे हैं ना। ओके बाय। आपकी तबीयत ठीक है? आप? बस अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। वो आपकी बहन अनम नहीं आई? दरअसल उसकी तबीयत खराब है, वायरल हो गया। नौशीन उसकी नंद है ना, उसके पास है। हाँ मरियम ने बताया था मुझे नौशीन के बारे में। अल्लाह नौशीन की माँ की मगफरत करे, बहुत छोटी उम्र में माँ बाप का साया उठ गया सर से। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए तो हमारी आप ही उसे अपने घर ले आई थी। असल में हमारी आप ही का दिल बहुत बड़ा है और वो ना किसी के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकती। और स्पेशली कोई अगर बेसहारा हो तो? क्यों सजीला, मैं सही कह रहा हूँ ना? कोई शक? आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बड़ा इंतजार था आपसे मुलाकात का। सत्यन कैसे हो बेटा तुम?
आप तो चक्कर लगा लिया करें सत्यन। एक ही तो दामाद हैं आप अकलौते नजीब भाई के। जी आइंदा ख्याल रखूंगा। शादी के बाद मुलाकात ही नहीं हुई किसी से। वो एक्चुअली इतनी मसरूफियात है, इतना कुछ करने को होता है और मैं फारिग बैठने वालों में से तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। याला ये तो वही है जिसको पुलिस उठा के लेकर गई थी उस दिन। ये यहाँ क्या कर रहे हैं सत्यन? नहीं, इसको अपनी गलती का एहसास है। गलती? पुलिस ने गलती तो नहीं की ना, कुछ तो किया होगा इन्होंने इसलिए। तो आप कहना क्या चाहती हैं? अम्मा रहने दीजिए, शायद इनको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, ना चला जाए। नहीं यहाँ से प्लीज कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई एम रियली सॉरी, आप ही की बात का ये मतलब नहीं था, तुम यही रहो। आई अपोलोजाइज। अरे नहीं नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं, घर की बात है। मरियम, हया, जहरा, जरा देखो खाना बना के नहीं। वैसे शुक्र है कि दादू ने बात संभाल ली। हाँ मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं अनिल और कमल के दरमियान कोई बात ना हो जाए। मुझे तो ना फुप्पो और अनिल पे दोनों से बहुत डर लगता है। सच में शुरू तो वो इसे लगती बस फुप्पो बोलते कि और अनिल पे लपेट के बाद। अच्छा बस अब फसूल बातें मत करो, किसी ने सुन लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। चलो चलो खाना लगाओ जल्दी से। क्या कब की फ्लाइट है बेटा? कब की टिकट्स कराएंगे? कल 10 बजे की फ्लाइट है दुबई की। फिर देखिए इस ट्रिप के बाद प्लान बनाऊंगा कब वापसी। अच्छा खैर से जाओ, खैर से जाओ।
तुम्हें कुछ चाहिए? तुम क्यों आई हो? आप ही ने कहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम्हें कुछ खाने पीने में अगर चाहिए तो। आप ही बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी इन फजूल बातों में आ जाए। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जिन जिन से तुम्हें मसला था सब तो तुम्हारे रास्ते से खुद हट गए। मेरी अम्मी, फिर मैं और फिर मेरा भाई, चाहती क्या हो तुम? होती कौन हो तुम उससे इस तरह से बात करने वाली? रिश्ते में मैं तुम्हारी नंद हूं और नंद कैसी होती है ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, मेरे प्यारे भाई का मासूम चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है जिसे तुमने अपने दो टके के प्यार में फांसा हुआ है। बकवास बंद करो तुम अपनी, हैसियत ही क्या है तुम्हारी? ये जो कुछ भी है ना ये सब तैन का है। तुम्हारा क्या? तुम सिफर हो। एक लफ्ज और नहीं, आने दो आपी को। तुम इस घर से धक्के देके ना निकलवाया ना मैंने, फिर मुझे क्या? सबर करो। ये मत भूलो, आप ही ने मुझे इस घर में खुद जगह दी है और किसी मकसद के तहत दी है। खोटा सिक्का नहीं हूं मैं जो किसी के भी इशारों पे नाचती फिरूंगी। खाना ठंडा हो रहा है, खाना तो खा लेना वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। पीनी सर चढ़ाया भाई ने, आने दो आज देख लेती हूँ सर। चढ़ा के रखा हुआ इससे सर। क्या बदतमीजी है? अच्छा वो प्यास लग रही थी। प्लीज पीछे रहे आप। पीछे ही तो हूं, अब क्या तुमसे बात करना भी अलाउड नहीं है मुझे? वैसे ही इतने दिनों बाद घर आई हो, वो भी इतने कम वक्त के लिए। जी बह के देख ही लेने। तो आप अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आए ना? आप ही ठीक कहती हैं आपके बारे में। बोले दो दिन में ही तुम्हारे अपने हो गए और मैं? चुप कर जाएं प्लीज। मरियम तुम सारी पुरानी बातें भूल क्यों नहीं सकती हो? हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। आसिफ भाई, मेरे और आपके दरमियान में जो रिश्ता है ना, फिलहाल उसको सही से निभा लें। आपकी हरकतों और आदतों की वजह से ना हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और प्लीज अगर आप में थोड़ी सी गैरत बाकी रह गई है ना तो मेरे सामने मत आइएगा। यासिफ, मरियम से क्या बातें कर? मरियम मुझे इतना मत आजमाओ, मेरी मोहब्बत को तो तुम पैरों तले कुचल चुकी हो। अपनी बहन की मोहब्बत का क्या करोगी जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी बहन की मोहब्बत की दास्तान पता चली? क्या मतलब है आपका? उससे पूछना। कहाँ थे तू? यही था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही देखा है तुम्हें। मरियम से बात कर रहे थे तुम। क्या बात कर रहे थे? आप थोड़ा सबर कर, आज देखते जाओ क्या तमाशा होता है। पर हया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई,
दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी मुझे आपको बताना था लेकिन। लेकिन क्या? कहाँ रह गए ये दोनों? और ये आसिफ भाई को कैसे पता है सब कुछ? तुम्हें पता है ना, घर में किसी को पता चला तो क्या होगा? अभिया, आसिफ भाई को मैंने नहीं बताया, उन्होंने मुझे समीर के साथ देख लिया था। और उस दिन से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे थे। हया, मुझे बताओ ये कब से चल रहा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब कब से चल रहा है? होशते हो गए? हर लड़की को हक है लड़का पसंद करने का, तुमने भी तो किया ना। और आप बड़ी बेटी को आप इजाजत दे सकती है तो फिर छोटी बेटी को क्यों नहीं? हाँ, उसकी शक्ल देखे वो तो आंसू निकल रहे, क्यों रो रही हो यार? ठीक हो? मुझे इश्क की इबादत करने दे। सिप्ते, इसका जरा ध्यान देना। एक्सक्यूज मी। अभी अम्मी, एक दफा रुक के बात तो सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे। सलाह दी है तुमने हमारी आजादी का? समझ रही है। आप एक दफा मेरी बात सुन ले। चुप करो तुम। ठीक कह रही थी तुम्हारी पप्पू, लड़कियों को ना इतनी ढेर देनी नहीं चाहिए। मियो, एक बार हया की बात सुन तो ले। बस तुम्हारी शय पर हो रहा है सब कुछ। तुम्हारी देखा देखी इसने भी वही रास्ता चुन लिया जिसका मुझे डर था। अम्मी, क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप रही है ना मेरी बातें? सोचो, अब तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? मैं अब परेशान हूँ। मैं उसे प्लान करेंगे ना बात अब्बू से, हम हल निकाल लेंगे इस बात का। अम्मी, अम्मी, I'm sorry। बस एक स्पीयर नहीं। कौन है वो लड़का? कौन है वो लड़का? अम्मी, वो सिप्तैन के दोस्त शहीर का छोटा भाई है।
मैं अब परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे इस बात का। अभी नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। बस अभी किसी से कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए अपनी छोटी बेटी के साथ। वो अनीना पे वो घबराओ मत मरियम, हर लड़की को हक है लड़का पसंद करने का। तुमने भी तो किया ना, और आप बड़ी बेटी को आप इजाजत दे सकती है तो फिर छोटी बेटी को क्यों नहीं? हाँ, उसकी शक्ल देखे वो तो आंसू निकल रहे, क्यों रो रही हो यार? ठीक हो? कहीं थप्पड़ शप्पड़ तो? अरे चुप कर माओ इसे, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जहरा मैंने भी दो लड़कियों को पाला है, लेकिन इस तरह से तो कभी नहीं डांटा, वो गलत बात है ना। क्या हो रहा है यार, क्यों खड़े हैं आप लोग ऐसे? जहरा क्या हुआ? बात क्या है, इतने खामोश क्यों हैं? भाई साहब देखिए, इतनी बड़ी खुशखबरी और ये हमें नहीं बता रहे, दबा के रखी हुई बात, और आपने क्यों नहीं बताया हमें? खुशी? कैसी खुशी? वो जहरा आपने भाई साहब को नहीं बताया? वैसे भाई साहब ऐसी खुशखबरी सुनने के बाद तो बेटी को गले से लगाते हैं। अब जहरा उसको डांट रही थी और इतनी बुरी तरह से, देखिए इसका क्या हाल हुआ, वह रो रही थी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। बात क्या है, बता क्यों नहीं रहे मुझे? नहीं नहीं मसले की कोई बात नहीं है, तो माशाल्लाह आपकी छोटी बेटी ने लड़का पसंद कर लिया अपने लिए। क्या अनिला, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं नहीं मैं नहीं बोल रही,
मैंने तो जहरा और लड़कियों को सुना था, तो इसलिए मैं समझी कि मुबारकबाद देनी चाहिए आपको जी भाई। मुझे नहीं मालूम था कि जहरा आपने नहीं बताया। आई एम सो सॉरी, मैं तो खुश हो गई थी तो इसलिए। आई एम सॉरी भाई साहब। नहीं अनिला, आप ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताने वाली थी बाबा को। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, है ना। आइए पहले खाना खाते। आइए आइए प्लीज। सॉरी ज़रा। भाई साहब, मेरा तो ख्याल है कि सबकी भूख मर गई है, ये खाने को छोड़े आप हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही है, इन हालात में किसको भूख लगेगी। कितनी शर्मिंदगी की बात है, घर की बात हमें दूसरों से पता चल रही है। मेरा ख्याल है आप लोग सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सिप्ते तुम तो चुप ही हो जा, तुमने हमारी सुनी थी, खुद मुंह उठा के आ गए थे रिश्ता लेने के लिए। भाई साहब, हया की गलती को माफ कर दीजिए। आजकल के बच्चे तो होते ही ऐसे, कुछ नहीं देखते, सिर्फ प्यार देखते हैं, ना बैकग्राउंड ना जात पात। लेकिन शुक्र है कि समीर तो हमारा बच्चा है, सिप्ते के बेस्ट फ्रेंड का भाई है और बहुत अच्छे बैकग्राउंड का है। आपको एतराज नहीं होना चाहिए। एक दफा आप हया से बात कर लें, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे लगता है आपको घर की बात घर में दबा देनी चाहिए, वरना आपको पता है कि ऐसे मामले में सबसे पहले माँ बाप की तरबियत पे उंगली उठती है।
उसकी फिक्र आप ना करें और आप फिलहाल इस बात को भी भूल जाए। खाना खाए बगैर मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, है ना? आइए मैं खाना लगवा, प्लीज। तब तक ऐसे में बैठ जाते ना, वो इतनी गर्मी है। अच्छा 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 सिला दिया तुमने हमारी आजादी का, भाई आपकी छोटी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। जरूरत थी तमाशा करने की? मुझे बहुत मजा आया, शक्लें देखी थी दोनों बहनों की। क्या मिलता है इस तरह किसी की बेइज्जती करके तुमको? ओहो, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो ऐसे बात करी जैसे वो तुम्हारे सगे। भूल गई हो इतनी बदतमीजी की थी, वलीमे के दिन कैसे अकड़ के जा रही थी। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है, आज पता चल गया कि पूरी दाल ही काली है। वैसे आफरीन है नजीब साहब की बेटियों की, दोनों ने लंबे हाथ ही मारे। बुरी बात है, आप किसी की बेटियों पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाते। तुम्हारी भी भांजियां हैं, कहते हैं कि जो आप करेंगे वो आपकी औलाद के आगे आएगा। झूठ गीबत बोहतान नहीं लगा रही, जो सच है वो ही बयान कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें तो मेरी बातें पसंद ही नहीं आती। कैसे आएंगी, तुमने भी तो पसंद की शादी की है। तुम्हें प्यार नहीं मिला, तुझे प्यार करने वाले उन सबके पीछे पड़ जाओगी। पर क्या बुराई है? नहीं, बुराई क्या है किसी से प्यार करने में, उसे शादी करने में, उसके साथ घर बसाने में। प्यार, इश्क, मोहब्बत सब बकवास है, दो दिन में भूत उतर जाता है। मेरे ना बस की बात नहीं है तुम्हें समझाना।